इसको हम बोलते हैं सर्जिकल रोबोट। तो सर्जिकल रोबोट क्या है, ये सर्जरी में सर्जन को हेल्प करता है। ये बजाते खुद सर्जरी नहीं कर सकता है, इसके पीछे एक कंट्रोल होता है, कंट्रोल सर्जन का ही होता है, जो जिसने रिक्वायर्ड ट्रेनिंग जो इसमें है वो ली होती है, इसकी एक्सपीरियंस हुई होती है, तो वही इसको मैनिपुलेट करता है, डायरेक्शन देता है कैसे सर्जरी करनी। अब इसकी एडवांटेज ये है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो लिमिटेशंस हैं मूवमेंट्स की या प्रिसीजन की, वो इसमें मास्क हो जाती है, वो प्रिसीजन जो है वो शार्प प्रिसीजन इसमें आ जाता है कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है कंप्यूटराइज मशीन, जो उन चीज़ों में वो जो लिमिटेशंस हैं वो इसमें ख़त्म किए गए हैं। अगर मैं अपने हाथ से करता हूँ, मेरा हाथ पहले ये जगह ऑक्यूपाई कर लेगा तो काम करने का फील्ड कम हो जाएगा। अगर मैं इससे करता हूँ तो इससे करने से ये हो गया, इस छोटी सी कैविटी में मैं सूचरिंग भी कर सकता हूँ, डिसेक्शन भी कर सकता हूँ, हैं सो और ये जो ये कैविटी है ये इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है, मैग्नीफाई हो रही है, ये टू डायमेंशनल व्यू है और उस कंसोल में थ्री डायमेंशनल व्यू है। तो थ्री डायमेंशनली जब मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, उसकी हाइट, उसकी वेड्थ और उसकी थिकनेस, तो मेरा प्रिसीजन सर्जिकल क्वालिटी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर ये इम्प्रूव होती है तो इसका फ़ायदा किसको मिलता है, पेशेंट को। सो इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स। कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जहाँ ह्यूमन लिमिटेशंस होती हैं और रोबोट इन सर्जरीज को ओवरकम करता है, इसलिए एंड रिजल्ट जो होता है वो पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब ये पोर्टस हम कैसे डालते हैं, लेप्रोस्कोपिक पोर्टस, रोबोटिक पोर्टस कैसे डालते हैं, ये वहाँ लेप्रोस्कोपी से थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। उसके लिए आपको ज़्यादा सीखना नहीं है, वो मतलब जल्दी सीख सकता है, विद इन टू वीक विद इन वन वीक। तो उसके बाद फिर जो ये रोबोटिक सर्जरी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि इंसान को एक्सपर्टीज़ होना चाहिए एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन। एनीबडी जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और somebody has नो हाउ विद रोबोटिक सर्जरी वो कर सकता है। कहना मुझे ये था, इसमें ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जन बनना है फिर ये करना है, नो। थोड़ा सा पोर्ट प्लेसमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बंदे को पता होना चाहिए, देन उसके बाद उसको ये रोबोटिक सर्जरी करने में आसानी हो जाए। ऑपरेशन करने से पहले हम वॉश करते हैं, स्क्रब करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, तो तब हम पूरा स्टरलाइज करके वहाँ जाते हैं कहते हैं। लेकिन इसमें आपको वो नहीं है, सर्जन जो है ना, ऑपरेटिंग सर्जन, रोबोटिक सर्जन, उसको सिंपली अपना थिएटर ड्रेस लगाना है, बाकी क्या आजकल के ज़माने में मतलब मास्क वगैरह कैप वैप जो लगाना है, तो ऑपरेशन से वो स्क्रब नहीं करना है, अब ऑपरेशन वाला थिएटर ड्रेस लगाना है, वो इसका एक फ़ायदा है, आराम से वो अपने कपड़ों में बैठ सकता है, कंसोल पर कर सकता है। गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज इससे बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इसमें लर्निंग कर्व छोटा है, क्योंकि जिसने ओपन सर्जरीज की हैं वो ये वाला प्रोसीजर बहुत जल्दी सीख सकता है, लैप्रोस्कोपी में उसको टाइम लगता है। इसमें इस लर्निंग कर्व बहुत छोटा है, इसमें आपका विजन बहुत मैग्नीफाइड होता है, तो बहुत छोटी छोटी पैथोलॉजी, छोटी छोटी बीमारी भी इंसान पिक कर सकता है। और जो हमारी एक्सटेंसिव गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज होती हैं, जैसे कैंसर सर्जरी हो गई, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, जहाँ पर हमको बहुत डीप जाना होता है, वो बाज़े हम लोग इवन ओपन सर्जरी में उतना डीप नहीं जा पाते हैं जितना हम इस तरह से जा पाएंगे। सो ये सच में अगर आ जाता है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, तो ये हमारी सर्जरीज को बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर देगा।